गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 13 लेसन धरती से सागर तक में फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। आज हम लोग सेकंड पार्ट उसके आगे तक का पढ़ेंगे। लास्ट में हमने ये देखा था कि दादाजी अंशु को सिखा रहे थे, अंशु चाह रहा था कि सर्दी के मौसम हमेशा रहे, तो वो उसको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। वो बताता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के जब आगे आएगी तो गर्मी की मौसम तो लगेगी, तो कैसे सर्दी की मौसम हमेशा रहेगी। अब आगे समझाते हैं, पेज नंबर 111 पर देखिए। और किसी भी जगह का मौसम तीन बातों पर निर्भर करता है, माँ ने समझाते हुए कहा। अब यहाँ पे देखिए, अंशु को उसकी मम्मी और उसके दादाजी दोनों समझा रहे हैं, कभी दादाजी समझा रहे हैं, कभी मम्मी समझा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसकी मम्मी अब समझाती है कि कोई भी जगह हो, कहीं की भी जगह, उसके लिए तीन मौसम जरूरी है, निर्भर यानी के आधार रखता है। कौन सी तीन बातें माँ, यानी वो पूछ रहे अब कौन सी तीन बातें हैं। जो एक तो यह कि सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का ढंग, समुद्र से दूरी और समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई, यानी कि ये तीन बातें मौसम के लिए बहुत ही जरूरी है। एक क्या है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने का ढंग, यानी सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, कैसे तरीके से पहुंचती है, वो समुद्र से दूरी, यानी कि हम समुद्र से कितने दूर रहते हैं, वो दूसरा। और तीसरा क्या है, समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई, यानी कि समुद्र है और उससे कितनी ऊंचाई पर हम लोग रहते हैं, वो भूमि यानी धरती कितनी ऊंची है, वो ये तीन बातें आवश्यक है। वह कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अंशु कहता है मम्मी को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो। तो उसकी मम्मी फिर से समझाती है, मैं बताती हूँ, जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यानी कि उसकी मम्मी अब उसको इजी तरीके से समझा रही है कि सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी पर सीधे डायरेक्ट पहुँच जाती है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ वायुमंडल में फैल जाने के कारण गर्मी कम हो जाती है। यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी जहाँ पड़ती है ना, देखो जहाँ पे डायरेक्ट सीधी ऐसे पड़ेगी तो वहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगी, और जहाँ पे ऐसे तिरछी जाएगी ना वहाँ पे गर्मी कम लगेगी, माँ ने समझाया अंशु को, ठीक। इसी तरह धरती का जो भाग समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है वहाँ का मौसम ठंडा होता है। दादाजी ने माँ की बात पूरी की। अब देखिए, दादाजी समझा रहे हैं कि उसी तरह, जिस तरह भी हम सूर्य की बात समझी ना, उसी तरह धरती का जो भाग है समुद्र तल से ऊंचा, यानी समुद्र से ऊंचाई पर धरती है तो वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। दादाजी ने बादल से कहाँ से आते हैं, दादाजी ने अंशु से सवाल किया, यानी दादाजी अंशु से पूछते बादल कहाँ से आते हैं। तो तुमने कभी अपनी माँ को चाय बनाते हुए देखा है, यानी कि अंशु ने दादाजी से सवाल किया, ठीक है, कि बादल कहाँ से आते हैं, अंशु दादाजी से पूछता है। तो दादाजी उसको समझाते हैं कि तुमने कभी अपनी माँ को चाय बनाते हुए देखा है, तुम्हारी मम्मी चाय कैसे बनाती है। तो अंशु जवाब देता है, जी दादाजी देखा है, लेकिन इसका इससे क्या संबंध है, यानी वो कह रहा है कि हाँ मैंने देखा है, उसमें इस सबसे चाय का क्या मतलब है। तो आगे देखिए, संबंध है, देखो तुमने देखा होगा जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से भाप उठने लगती है, अर्थात पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। यानी वो कहते हैं कि संबंध कैसे, वो पूरा समझाते हैं कि तुमने देखा होगा कि पहले पानी उबलते हैं, जब तो पानी उबलने लगता है तो वो पानी जो है भाप बनकर ऊपर चला जाता है, अर्थात यानी कि उसका मीनिंग क्या है कि पानी जो है भाप बनकर उड़ने लगता है। जी हाँ, यह तो देखा है, यानी अंशु कहता है कि हाँ ये तो मैंने देखा है। बस इसी तरह सूर्य की गर्मी से सागर, नदी और झीलों का पानी भी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। ऊपर जाकर यही भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है जो वर्षा के रूप में जमीन पर बरसने लगता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ना,
देखिए ये क्या है, नदियां हैं और सागर हैं और ये सूरज है। तो क्या हो रहा है, देखिए सूरज की किरणें डायरेक्ट यहाँ पे पड़ेगी तो ये पानी गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से पानी जो है भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर वो बादल बन जाते हैं और वही पानी ऊपर जाके जब भाप ठंडी होती है तो वही पानी बरसता है, यानी बारिश होने लगती है। यानी कि दादाजी ने क्या समझाया कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले कि अंशु कोई अगला सवाल करता, पापा आ गए और उन्होंने कहा तुम लोग पिताजी को ही परेशान करते रहोगे या अब कुछ देर आराम भी करने दोगे? इस बार की छुट्टियों में मैं तुम लोगों को अंडमान निकोबार ले जाऊंगा। यानी कि अंशु और भी सवाल करता तब तक उसके पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग पापा को क्यों परेशान करते रहते हो, उनको कुछ आराम करने भी दो और इस बार जो छुट्टी है यानी कि वेकेशन होगा उस टाइम हम सब लोग मिलकर अंडमान निकोबार घूमने जाएंगे। ठीक है, पापा की बात सुनते ही अंशु खुशी से उछल पड़ा, उस दिन के सपनों में खो गया जब उन्हें सागर पार करके अंडमान जाना था। यानी कि जैसे ही पापा ने खुशखबरी सुनाई कि हम लोग घूमने जाएंगे अंडमान निकोबार तो वो बहुत खुशी से उछल पड़ता है और वो सो जाता है और सपने में देखने लगता है कि हम कैसे पूरा सागर पार करके अंडमान निकोबार घूमने जाएंगे, वहाँ क्या क्या करेंगे वो। तो अंडमान निकोबार कहाँ है, समुद्र के बीच में जो टापू है वहाँ पे चारों ओर समुद्र है। ठीक है, तो वो उसके सपने देखने लगता है कि हम कैसे पार करके जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हमारा पूरा हो गया। लास्ट में लिखा है विनीता सिंगल, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, देखिए चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, धरती से। इसका टाइटल ही था ना धरती से सागर तक, यानी धरती से बात शुरू होते होते अंतरिक्ष में गई, फिर धरती पे आई, मौसम पे आई, बादल पे आई, फिर लास्ट में अंडमान निकोबार यानी सागर तक पहुंच गई। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, बहुत कुछ हमें इसमें से सीखने को मिला, बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिली। ठीक है, पहले तो समुद्र की लहरों के बारे में सीखा, दूसरा पूरे अंतरिक्ष के ग्रहों के बारे में भी जानकारी हमको जानने को मिली इसमें से, फिर हमारी पृथ्वी के बारे में भी जानने को मिला। ठीक है, फिर पृथ्वी पे गर्मी ठंडी बारिश कैसे होती है, तीनों मौसमों के बारे में जानने को मिला कि बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया भी हमें पूरी जानने को मिली, ठंडी कैसे पड़ती है, गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ती है, कम क्यों पड़ती है उसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, जैसे कि वायु कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया हमने जानी, फिर बारिश कैसे होती है उसके बारे में भी जाना, और इस तरह से पूरी बात यहाँ पे पूरी डिटेल में दी गई है। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, कि हमारे जो देश में है या पृथ्वी पे है तीनों मौसम कैसे आती है, अंतरिक्ष में ग्रह कितने हैं, कौन सा दूर है कौन सा पास में है, फिर ओजोन परत के बारे में भी हमने जाना ना कि ओजोन परत जो है सूरज की जो हानिकारक किरणें हमारे तक पहुंचती है तो वो बीच में ही उनको रोकती है और हमारी रक्षा करती है ओजोन, तो उसके बारे में भी जाना। तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको याद रखना है, वो बादल कैसे बनते वो भी याद रखना है, बारिश कैसे होती है, गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ती है उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो आपको सारी बातें याद रखनी है। थैंक यू।